और बात करेंगे भारत पर जीका अटैक की। जी हाँ, देश में एक तरफ वायरस ये लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार खतरा बनता जा रहा। राजस्थान में जीका वायरस तेजी से फैल रहा। जयपुर में 22 लोगों के जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि अब तक हो चुकी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के जयपुर में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों में एक व्यक्ति बिहार का भी है और वो हाल ही में अपने घर सिवान गया था। बिहार सरकार ने भी सभी 38 जिलों को आदेश जारी किया है, उन लोगों की खास नजर उन लोगों पर रखी जाए जिनके अंदर जीका वायरस जैसे लक्षण अब तक दिखाई दिए हैं। रोकथाम के उपायों से राजस्थान सरकार की मदद के लिए केंद्र की तरफ से 7 सदस्यीय एक हाई लेवल टीम को जयपुर में तैनात किया गया है, ताकि जो लोग इससे प्रभावित हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके, उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए और इससे फैलने से रोका जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी में से एक जो संक्रमित युवक था वो बिहार भी गया था, सिवान जिले में रहा था वहां पर। उसके बाद बिहार सरकार को भी अलर्ट जारी किया गया है कि जो लोग यहां से वहां पर जा रहे कम से कम उन पर निगरानी रखी जाए। इस वक्त आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आशुतोष, वाकई में जीका को लेकर जैसा नाम वैसा ही खौफ लोगों के भीतर है, लेकिन जो बुरी खबर यह है कि राजस्थान के कई जिलों से अब तक की ऐसी खबर आई है कि इस संक्रमण से लोग परेशान हैं, लोग अब लगातार इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। इस वक्त आपके पास अपडेट क्या है पूरे मामले पर? आशुतोष, आवाज आ रही है? जी देखिए, आपको बता दें कि जीका वायरस को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से एक व्यापक रिपोर्ट पूरी इसको मसले को लेकर मांगी गई है कि आखिर जीका वायरस को लेकर अभी तक जो भी पॉजिटिव केस सामने आए हैं उनको लेकर आपने किस तरह की तैयारी की हुई है, क्या कुछ प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों ने किया है, और राजस्थान का जो स्वास्थ्य महकमा है उसने जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें जाके कौन कौन सी एक्टिविटीज की है। बड़ा कारण यह है कि जब भी स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से ये पूछा जाता है कि जीका वायरस को लेके जो सही आंकड़ा है वो क्या है, तो कोई भी सही तरीके से पेश करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो महज 7 आंकड़े हैं जो पॉजिटिव केस के सामने आए हैं। 20 संदिग्ध ऐसे मामले हैं जिनके जो सैंपल है वो लेके पुणे भेजे गए थे, जिनकी जो पुष्टि होना अभी तक बाकी है। आज 12:30 बजे स्वास्थ्य भवन में जो तमाम आला अधिकारी रहेंगे स्वास्थ्य से जुड़े हुए, उनकी एक ब्रीफिंग रखी गई है और इन तमाम चीजों को लेके स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर जीका को लेके जो 7 पॉजिटिव केस है या 20 पॉजिटिव केस है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो एक कंफ्यूजन की स्थिति, असमंजस की स्थिति है वो सामने आ रही है। मीडिया को प्रॉपर जानकारी नहीं दी जा रही है, शायद आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, और प्रभावित क्षेत्रों में अभी तक क्या कुछ किया गया है इसको लेके भी जानकारी साफ तौर पे कोई देता नहीं है। शाम को एक जो रिलीज है वो जारी की जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि हमने इस एरिया में गए, दिल्ली से एक टीम आई हुई है, जयपुर से एक टीम आई हुई है, वो टीम उस क्षेत्र में गई है, शास्त्री नगर इलाके में गई है, क्योंकि जो पहला केस था और जो दूसरा जो केस सामने आया वो दोनों शास्त्री नगर से थे। तकरीबन 300 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं थी और खासतौर पर यह देखा जाता है कि जो जीका वायरस है उनका असर गर्भवती महिलाओं पर देखा जाता है। लेकिन आज जो 12:30 बजे ब्रीफिंग रखी गई है उसमें तमाम जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। आशुतोष, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों बरती जा रही है, जब पता है कि यहाँ पर इतना नुकसान हो रहा है, इतने लोग चपेट में आए, उसके बाद आंकड़ों को छुपाने की बात सामने आ रही, पूरे मामले पर अभी तक अनदेखी की जा रही। आखिर जब इतना खतरनाक ये वायरस है तो पूरे मामले पर संजीदगी क्यों नहीं दिखाई जा रही? देखिए, जब एक्सपर्ट से बात की जाती है, स्वास्थ्य महकमे से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की जाती है, तो उनकी तरफ से यही बात दलील दी जाती है कि जीका वायरस है वो अपने आप में आम तौर पे जो डेंगू होता है उसी तरीके का एक वायरस है, उसी तरह से फैलता है, उसी तरीके से जो मच्छर है उससे फैलता है, बहुत ज़्यादा अपने आप में गंभीर नहीं है। और जहाँ तक आंकड़ों को लेकर बात है, मैच 7 आंकड़े हैं जो बताए जा रहे हैं पॉजिटिव केस के, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 20 लोगों के भी पॉजिटिव केस होने की बात कही जा रही है, तो इसको लेकर कोई स्थिति साफ नहीं करता है। दूसरी बात, तैयारियों को लेकर जब बातचीत की जाती है तो हर बार एक बात कही जाती है कि हम प्रभावित क्षेत्रों में प्रॉपर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लोगों के घरों तक जा रहे हैं और उनको खास जो प्रचार प्रसार की चीज़ें बता सकते हैं वो बता रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो दलील दी जाती है वो ये है कि उनकी जो ACS हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की वीनू गुप्ता, वो लगातार मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रही हैं। लेकिन जीका को लेकर क्या कुछ वाकई में धरातल स्तर पर तैयारी है, धरातल स्तर पर? बिल्कुल आशुतोष, सवाल यही है कि जीका को लेकर जो धरातल स्तर पर तैयारी है वो आखिर इतनी पुख्ता क्यों नहीं है, जिसके चलते लोगों को इस बीमारी की चपेट में आना पड़ रहा, पहले से जागरूक आखिर क्यों नहीं किया गया? शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए।